और मार्था की खोपड़िया के ऊपर पिस्तौल रख के कहतो है कि कड़ी खाई अगर तूने अब ज्यादा चू चपड़ करी तो जब पिस्तौल को सारो पीतल तेरी खोपड़िया में भर देंगे। मैं कड़ी खाई नहीं, मैं कड़ी खाया हूं। ये देखो। अबे अरे कौन है बे तू? मैं अबे आशियाना जी का रसोईया हूँ, रोटी बनाने वाला। ये अपने उपन्यास को हिट करना चाहते थे इसलिए मुझसे ये सब करवा रहे थे। आपको शर्म आनी चाहिए डॉक्टर आशियाना, आप इतने बड़े उपन्यासकार होकर ऐसी हरकतें करते। खैर आशियाना जी, इस तो बाद में निपटेंगे, पहले जरा इस रसोईये को धो ले। बड़ा धोया है इसने, इसके साले के हाथ बड़े भारी हैं, रोटियां बेल बेल के इसने कंडीशनिंग कर रखी है अपने हाथों की। हम भी करते हैं। चलिए अरे 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 यार ठहर जाता ना, हम खड़े हैं ना, जाको छोड़ो यार। और पहले तो हम जा आशियाना को जाके आशियाना पे भेजते हैं, मतलब पागल खाने ले जा रहे हैं सारे को। मार्था पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अभी जी वाकई में आप मालन अलबेली तो हैं। क्या बोले? मैंने कहा कैसी हैं आप, हाउ आर यू? हाँ हम तो एकदम तंदुरुस्त हैं, आप कैसे सिंबा? बस भाभी जी, जी रहे हैं आपके अल्लड़पन की जवानी के साए में। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अब बोले तो ठीक बा। हाँ आपको बताएं भरभूती जी, कल रात को ना हम एक ठो ड्रम देखे। प्लीज किल मी भाभी जी, इट्स नॉट ड्रम, इट्स ड्रीम। हाँ सही पकड़े हैं, हमने एक बहुत ही अजीब सपना देखे। बताइए ना सपने में क्या देखे? हाँ हम ना एकदम लाल जोड़े में थे, हदिया बिल्कुल दुल्हन की तरह। वाह भाभी जी वाह, क्या कमाल लग रही होंगी आप, कयामत लग रही होंगी। मैं तसव्वुर कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ भाभी जी। हाँ तो बताइए इसके बाद क्या हुआ? कोई शहजादा आया सफेद घोड़े पे? हमको कुछ याद ही ना आई है, कौन आया कौन गया, हमारा ड्रम टूट गया। भाभी जी आपका ड्रम टूट गया और हमारा भ्रम टूट गया। क्या बोले? जाने दीजिए। अंगोरे, अरे डैडू, अंगोरे, अरे हमरे डैडू, अंगोरे, अरे इधर ही है। कैसी है बेटा, कैसी है तू? अरे जीती रहो जीती रहो जीती रहो, खुश है ना? अंकल जी अंकल जी अंकल जी अंकल जी, बेटा हो गया लौंडे लौंडे हो गया लौंडे। अंकल ऊपर का हुआ, नीचे का कहाँ हुआ है? अंकल जी बहुत दिनों बाद दर्शन दिए आपने, बहुत दिनों बाद। बेटा छोड़िए छोड़ो, लौंडे क्या कर रहे हो तुम? मैं देखता हूँ जब भी मैं आता हूँ मेरी बहुत चमचागिरी करते हो, ये बात गलत है। देखिए अंकल जी क्या है कि कलाकंद खाना है ना, तो हलवाई के तो गुर्दे सहलाने पड़ेंगे ना सर। ये कलाकंद बीच में कहाँ से आ गया? और मैं हलवाई कब से हो गया बे लौंडे? आप तो वो हलवाई हैं जिसने भाभी जी ऐसा कलाकंद तैयार किया बिना शीरे का मीठा। बेटा कैसी है बेटा, खुश है ना? खुश हैं और आपको देखकर और भी खुश हो गए। बस बेटा तुझसे मिलने का दिल किया तो मैं चला आया, और तुझे खुशखबरी भी देनी थी। अरे क्या खुशखबरी है? बेटा तेरी दादी यानी कि मेरी माँ जो बहुत साल से कोमा में थी, अब वो कोमा से बाहर आ गई है। क्या बात कर रहे हैं, दादी कोना से बाहर आ गई? भाभी जी इट्स नॉट कोना, इट्स कोमा। हाँ सही पकड़े हैं। नहीं बेटा इस बार तुम सही पकड़ी हो। वो क्या है कि मेरी जो माँ है बहुत साल से कोमा में थी, इसलिए कोने में पड़ी हुई थी। अब होश में आई है तो कोमा से और कोने से दोनों से बाहर आ गई है। लेकिन बेटा एक अड़चन सर पे आन पड़ी है। क्या अड़चन है? बेटा तुझे याद होगा जब तेरी शादी नहीं हुई थी तो तेरी दादी हमेशा ये जिद करती थी कि वो खुद तेरे लिए लड़का ढूंढे और खुद अपने हाथों से तेरे हाथ पीले करे। हमको याद है। उसके बाद बेटा उसका गुसलखाने में पांव फिसल गया और वो कोमा में चली गई। इस दौरान तुझे कच्चा बनियान मिला और तेरी शादी हमें तेरी जिद के कारण कच्चे बनियान से ही करनी पड़ी। मजबूरन? हाँ मजबूरन लौंडे। अरे ये सब ठीक है लेकिन हमको
बताइए ना क्या समस्या है। बेटा समस्या ये है कि जब से तेरी दादी होश में आई है उसने जिद पकड़ रखी है कि मुझे अंगूरी की शादी करानी है, मुझे अंगूरी की शादी करानी है। भरभूति जी हमको बहुत ही डर लग रहा है। अब ये डर क्यों रही हैं आप? वो कहा है ना कि हम लड्डू के भैया से कैसे बोले कि डैडू हमरा और लड्डू के भैया का शादी फिर से करना चाहते हैं। भाभी जब जो गलती हो गई वो सुधारनी तो पड़ेगी, यू हैव नो चॉइस। आप ठीक बोल रहे हैं लेकिन ना हमको एक ठो बात का डर और लग रहा है। कौन सी बात का बताइए? वो कहा है ना भरभूति जी वो हमारी दादी है ना बहुत ही स्ट्रीट है। भाभी इट्स नॉट स्ट्रीट इट्स स्ट्रिक्ट। हाँ सही पकड़े हैं। अंगूरी आ गया कबाब में हड्डी। हमारे लिए कचू नाश्ता वास्ता लगाओ यार क्या ब... ओ जनाब आपके पास कुछ काम धंधा नहीं है जो सुबह सुबह चले आए? खैर हम भूल गए आपके पास तो वैसे ही काम धंधा नहीं है। हमें छोड़िए भाभी जी क्या कह रही है वो सुनिए। क्या कहना चाह रही हो पगली? लड़के भैया दादी कोमा से बाहर आ गई हैं। अच्छा बाहर आ गई है, चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है, भगवान को शायद यही मंजूर था। आपको खुशी नहीं हुई भाभी जी की दादी कोमा से बाहर आ गई है? तो खुशी का इजहार कैसे करें, नाचे गाए मुजरा कर ले। कौन देखेगा मुजरा आपको? हमरा बात तो सुनिए। डैडू आए थे वो बोल रहे थे कि दादी को पता ही नहीं है कि आप हमको भगा कर ले आए थे। बिचारा आदमी जी। क्या भगा आपने? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा कि यू मेड सम मिस्टेक्स इन द पास्ट सो यू हैव टू। ठीक है तो क्या कहा डैडू ने पगली? हाँ कि दादी हमरा शादी कराना चाहती है। क्या? हमरा पूरा बात तो सुनिए, वो दादी हमरा शादी आप ही के साथ कराना चाहती हैं। और अगर ऐसा ना हुआ तो सदमे से दादी माँ टहल लेंगी मतलब निकल लेंगी और उनकी मौत की जिम्मेदार आप होंगे तिवारी जी, आप होंगे और आप। क्या? एक्सक्यूज मी प्लीज। लड़के भैया आप फिर से दूल्हा बनेंगे और हम दुल्हन। भाई अम्मा कह रही हैं कि लड़के वाले आए नहीं, अब तक कब आएंगे, जरा फोन करो लौंडे। हाँ मैं फोन लगाता हूँ। हेलो भाई आप लोग पहुंचे नहीं अभी तक, आपका इंतजार हो रहा है यहाँ पे, दादी जी आपका इंतजार कर रही हैं भाई, उनको लो बीपी भी है साथ में। और देखिए बुजुर्गों को इंतजार कराना अच्छी आदत नहीं है। अच्छा ओके आई गॉट इट, ठीक है ठीक ठीक ओके 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 बस वो लोग आ रहे हैं। दादी जी एक बात कहूँ, भाभी जी आपकी जो पोती है ना ये बिल्कुल आप पे गई, आपकी परछाई है, जवानी में आप भी बड़ी कयामत रही होंगी। हाँ मोहल्ले के लौंडे टूट टूटे गिरते होंगे आप पे, 440 वोल्ट का बल्ब होंगे आप, बाय गॉड तूफान मेल होंगे आप, कमाल होंगे आप जवानी में। लौंडे वो मेरी माँ है, शी इज माई मदर। आई एम सॉरी। अम्मा कह रही हैं कि लौंडा बहुत शैतान है और उन्हें शरारती लौंडे अच्छे लगते हैं, ऐसा कह रही हैं। दादी जी सो स्वीट ऑफ यू। लीजिए लड़का भी आ गया बुजुर्ग और साथ में उसकी हैवीवेट मॉम भी है, आइए ना प्लीज प्लीज कम प्लीज प्लीज प्लीज। और अम्मा जी आ गए। क्या कह रही हैं? कैसे हैं समधी जी? हदिया दादी पूछ रही है कि आंटी जी डैडू को समधी काहे बोल रही हैं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।